नमस्कार दोस्तों, अपना मेडिकल टिप्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक्नी स्टार जेल के बारे में, जो कि चेहरे पर एक्नी पिंपल दाग धब्बे कील मुहासे को मिटाने के लिए यूज किया जाता है। तो आगे मैं विस्तार से बताने वाला हूँ कि कैसे इसको यूज करें, क्यों इसको यूज किया जाता है और इसका साइड इफ़ेक्ट क्या स्किन पर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो नीचे लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं एक्नी स्टार जेल और कंपोजिशन के बारे में कि इसमें क्या क्या डाला गया है और क्या क्या काम करेगा। तो इसमें डाला गया है क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एंड निकोटिनामाइड। इसमें दो तरह का कंटेंट्स मिलाया गया है एक्नी स्टार जेल में। तो सबसे पहले आइए जानते हैं क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट के बारे में। क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो एक्नी और पिंपल्स को ठीक करने में काफ़ी मददगार है, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है। क्लिंडामाइसिन बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है और पिंपल को बढ़ने से बचाता है। आइए अब जानते हैं निकोटिनामाइड के बारे में। निकोटिनामाइड जो है एक विटामिन B3 है, जो बढ़े हुए पोर्स को कम करता है, स्किन को टोन करता है, स्किन की कमज़ोर सतह को ठीक करता है और एक्नी पिंपल को ठीक करने में मदद करता है। विटामिन B3 स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। ये स्किन को बहुत सारे प्रॉब्लम में ठीक मददगार माना जाता है। तो दोस्तों, आइए अब हम जानते हैं एक्नी स्टार जेल कितना इफेक्टिवनेस होता है। एक्नी स्टार जेल या एक्नी स्टार क्रीम डिनेज में होने वाली एक्नी और पिंपल्स के लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये शुरुआती एक्नी कंडीशन को आसानी से ठीक करने में काफ़ी असरदार है। ये हर तरह के मुहासे को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर मुहासे ज़्यादा है तो एक्नी स्टार जेल को कुछ लंबे समय के लिए लगाया जा सकता है। अब आइए जानते हैं एक्नी स्टार जेल को इस्तेमाल कैसे करें। सबसे पहले एक्नी स्टार जेल को लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से साफ कर लें। अपने चेहरे को साबुन से धो लो, साफ कर लो। उसके बाद सॉफ्ट टॉवल या रुमाल से अच्छी तरह अपना चेहरा साफ कर लें, पोंछ लें। उसके बाद इफेक्टिव एरिया में या कील मुहासे एरिया में लगाएं, वो भी धीरे धीरे लगाकर अच्छी तरह मालिश कर लें। अपनी हाथ को चेहरे पर दबाकर नहीं मालिश करना है, हल्के हाथ के उंगली से मालिश करें और आप एक्नी स्टार जेल को दिन में 2 बार लगा सकते हैं। और इस जेल को लगाने के बाद धूप से बचिएगा तो अच्छा काम करेगा। धूप ढलने के बाद शाम को ज़रूर लगाएं। अब आइए जानते हैं एक्नी स्टार जेल के साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं। दोस्तों, ये एक्नी स्टार जेल अलग अलग स्किन में अलग अलग तरह के साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, जैसे किसी का स्किन ड्राई हो जाना, सूखा हो जाना, सूखा सूखा जैसा लगना, या फिर स्किन में जलन होना, स्किन के छील जाना, उसके बाद चेहरे में लालीपन हो जाना, स्किन में रेडनेस की समस्या हो सकती है, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, किसी को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसलिए कोई ऑइंटमेंट है या क्रीम है या जेल है, अपने राय सलाह से न लगाएं, अपने डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर करें। धन्यवाद।